अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, इसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखिए दोनों साइड्स में कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कुछ ब्रैकेट्स हैं जिसमें टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और फिर जब दोनों साइड्स पे 1-1 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा फिर हम पार्ट फर्स्ट की तरह कंपेयर करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3x प्लस 3y आयोटा, अब माइनस 2 आयोटा से माइनस 2x आयोटा, फिर इसे भी मल्टीप्लाई करें माइनस 2 आयोटा से, तो ये बनेगा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। यहां पर 2x माइनस 2 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब यहां पे 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y, और यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है। अब ये 2x और ये इसके साथ दोनों जो है रियल नंबर है, इसलिए दोनों को इकट्ठा किया और यहां पे आ गया हमारे पास माइनस 4y आयोटा प्लस 2y। अब हम 3x और 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 2y बन गया, और यहां पर 2x माइनस 1 माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब इसमें भी हम जो रियल नंबर्स हैं, जो रियल पार्ट उसको सेपरेट करते हैं, ये प्लस 2y, ये इसका रियल पार्ट है दोनों, इसमें आयोटा नहीं है, और यहां पे होगा 3y माइनस 2x आयोटा। अब इस साइड पे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमने इसकी एक फॉर्म बनाई है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, कि पहले रियल पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है, सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी लिखते हैं। ये 2x माइनस 1, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, यहां पे प्लस वाले को पहले लिख लें 2 माइनस 4y, इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, प्लस वाला पहले लिख ले माइनस वाला बाद में लिख ले, दोनों में से आयोटा कॉमन लिया। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, अब जब दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे तो जो रियल पार्ट है ये रियल पार्ट और इस तरफ ये रियल पार्ट है, इन दोनों को हम इक्वल लिखेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल 2x माइनस 1। अब इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 3x प्लस 2y और ये इधर आके माइनस 2x, और इसको बेशक इधर ही रहने दे माइनस 1, और ये हमारे पास 3x में से 2x निकल गया, यहां पर रह गया x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये इमेजिनरी पार्ट को देखें, ये होगा 3y माइनस 2x इक्वल है 2 माइनस 4y। अब इसमें 3y माइनस 2x इसको उठा के इस साइड पे ले आए तो ये 4y और इस साइड पे 2 रहने दे ऐसे ही। अब इसकी तरतीब भी सेट करते हैं, माइनस 2x 4y प्लस 3y प्लस 7y इक्वल टू, अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम पार्ट फर्स्ट की तरह इसमें भी किसी भी एक को हम बराबर कर लेते हैं, या x को या y के कोएफिशिएंट को। अब यहां पे माइनस 2 है तो यहां पर माइनस 2 जो है हम बनाते हैं, फिर हम फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो x कैंसिल होगा, y की वैल्यू आ जाएगी, या इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां 14 बनेगा, फिर इसको 7 से कर दें, तो ये हमारे पास ऑप्शन होती है कि या x को इक्वल करें या y को, तो मैं इसमें x को इक्वल करने लगा हूं, यहां भी लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस 2
माइनस टू से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें, यहां पे आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई और यहां पे प्लस टू। ये इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड कहते हैं। अब वन की शक्ल ये थर्ड बन गई है, थर्ड में से टू को माइनस कर दें या टू में से थर्ड को कर दें या थर्ड में से टू को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इक्वेशन ए को ऊपर और ए को नीचे रखें और उसमें से माइनस करेंगे तो एक्स के साइन ऑपोजिट होंगे और वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं थर्ड को पहले लिखने लगा हूं, यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री पहले लिखेंगे माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू, इक्वेशन थ्री है माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू। जब सब्ट्रैक्शन की जाती है, माइनस किया जाता है, तो साइन को चेंज किया जाता है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस है ऑलरेडी, इसको भी हम माइनस करेंगे। आप देखें ये प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसल, माइनस सेवन माइनस फोर माइनस इलेवन वाई, माइनस टू प्लस टू कैंसल, यहां पे आ गया जीरो और यहां पे फिर जीरो ओवर माइनस इलेवन दूसरी साइड पे लेंगे, इस तरह वाई की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर ले या टू में पुट कर ले, एक्स आ जाएगा। यहां पे मैंने लिखा पुट इन वन, जहां पे जब y की वैल्यू जीरो लिखेंगे x प्लस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, x प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन, हेंस x इज इक्वल टू माइनस वन एंड y इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर है। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब and also share our videos with your friends.